स्वागत है आप सभी का नए भारत की नई अवंतिका नगरी में, महाकाल कॉरिडोर में। आप मेरे पीछे देख ही रहे हो, चलिए ट्रैवल करते हैं डिजिटली। महाकाल लोक की शुरुआत, आप जैसे ही मंदिर से बाहर निकलोगे दर्शन करके तो वहां से ही आपकी एंट्री हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप सुबह मंदिर घूम ले और शाम को फिर से आप महाकाल लोक आना चाहते हो तो गेट नंबर 4 है, उसके पास से ही आपकी एंट्री होगी, वहां से ही महाकाल लोक स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप मेरे पीछे मेरे आसपास देख रहे हो, बट ये अभी मेन नहीं है, मेन गेट आगे से अभी हमें आगे जाना रहेगा। जो बात मैंने आपको सुबह की थी कि अगर आपने प्री प्लान कर लिया है 3 से 4 महीने पहले, तो पीछे भी आप एक महाकालेश्वर भक्त निवास देख सकते हो। उज्जैन ट्रस्ट की वेबसाइट से ही सब कुछ बुक होता है। मंदिर के अंदर भी आपको रेस्ट रूम मिल सकता है, बट उसके लिए आपका प्री प्लानिंग होना जरूरी है। प्री प्लानिंग है तो आप उज्जैन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। दोस्तों, ये उज्जैन जर्नी पार्ट 3 है। इसके पहले के 2 पार्ट में मैंने ओमकारेश्वर एंड ममलेश्वर एवं इंदौर की जर्नी दिखाई है एंड उज्जैन महाकालेश्वर की भी जर्नी दिखाई है। इसमें मैं आपके साथ महाकाल लोक एक्सप्लोर कर रहा हूँ। वो सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो अगर आप उज्जैन एंड ओमकारेश्वर का प्लान कर रहे हो तो वो सारी वीडियो भी देखना मत भूलना, बहुत ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। महाकाल लोक की एक खूबसूरत लाइटिंग आपको स्वर्ग जैसा एक्सपीरियंस करा देगी। ज्यादा तो मैं वर्ड से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बट ये पूरा एरिया, पूरा महाकाल लोक आपको 1 मिनट में बहुत ही खूबसूरत ट्रेलर के साथ दिखा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं महाकाल लोक। दोस्तों, ये था सफल महाकाल की नगरी का पार्ट 2, जिसमें मैंने पूरे व्लॉगिंग कंटेंट के साथ उज्जैन को एक्सप्लोर किया। पार्ट 1 में मैंने इंदौर, ओमकारेश्वर एंड ममलेश्वर को एक्सप्लोर किया था। अगर वो आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी से जाके चेकआउट कीजिए ताकि आपकी जर्नी और बेहतरीन बन जाए। अभी आएगा सफल महाकाल की नगरी का जो पूरा इन्फॉर्मेशन वीडियो रहेगा। मैंने तो पूरी जर्नी कंप्लीट कर ली, बट आप भी मेरी तरह ही पूरी जर्नी कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको प्लानिंग किस तरह से करना चाहिए, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं पार्ट 3 में देने वाला हूँ। टाइम की कमी की वजह से मैंने सारी प्लेस भी एक्सप्लोर नहीं की है, बट पार्ट 3 में वो सारी प्लेस जो मैंने एक्सप्लोर नहीं की है उसकी भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा एंड आप वहाँ पे भी जा सकते हो।